वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी तक के वीडियो में हमने कवर किया था कि हम कैसे एक मल्टी लेजर क्रिएशन कर सकते हैं, और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हम वाउचर्स की एंट्रीज को किस तरीके से हम टैली प्राइम में करते हैं, यानी कि हम टैली प्राइम में आज वाउचर्स की एंट्रीज को कवर करेंगे। तो हे गाइस, दिस इज अमित, और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो जैसा कि अब तक के प्रीवियस वीडियो में हमने हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप हमने कवर किया है, तो आप उन सभी वीडियोस को एक बार जरूर देखें। और आज का जो हमारा सेशन होगा वो सेशन हमारे मल्टी लेजर क्रिएशन पर ही बेस्ड है, यानी कि हमने जो लेजर इससे पहले क्रिएट कर रखा है उन पर बेस्ड हम एक असाइनमेंट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं हम अपने टैली प्राइम के मेन स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक असाइनमेंट को कवर कर रखा हुआ है जिसमें हम अलग अलग वाउचर्स की एंट्रीज को करेंगे। तो हम एक जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं हमने इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने कवर कर रखा है, तो आप उसे देखें और समझें, क्योंकि ये सारी एंट्रीज हमने वहां पे ऑलरेडी कवर कर रखी है। तो यहां पर हम उन्हीं एंट्रीज पर बेस हम सीधा वाउचर्स एंट्री को पास करेंगे, और वाउचर्स एंट्री क्या है इस पर भी हमारी एक ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, तो उसे भी देखना ना भूलें। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने वाउचर्स के कुछ एंट्रीज हैं, तो इन एंट्रीज को बारी बारी से यहाँ पर आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा 1 जनवरी का, जय डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट बिजनेस विद कैश, और अमाउंट है इसका 80,000। तो जो हमारी एंट्री बनी है कैश टू कैपिटल, तो इसके लिए हम कौन सा वाउचर प्रेस करेंगे, F6। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने वाउचर सेक्शन पे, और यहाँ पर आप जैसे ही वाउचर सेक्शन पे आते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका पेमेंट वाउचर यहाँ पर ओपन होता है। तो हमें पता है कि हमें रिसिप्ट वाउचर पर जाना है, तो उसका फंक्शन की क्या है आपका, F6। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं कि राइट साइड में आपको सारे वाउचर्स के भी फंक्शन की यहाँ पर डिफाइन है। तो अगर आपको याद नहीं भी है तो आप यहाँ पर देख करके इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पोर्शन था उसे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल की एंट्री पास करनी है और प्रेस करना है F6। तो हमने यहाँ पे किया F6। अगर बाय चांस अगर आपका स्क्रीन कुछ इस तरीके से आता है, यानी कि आपके सामने अगर सिंगल एंट्री मोड ओपन है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल H प्रेस करके यहाँ पे डबल एंट्री मोड पर जा सकते हैं। तो आपका यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड के आपको पोर्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, तो यहाँ पे हमारे सामने पहला है 2, तो यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल यानी कि 2 कैपिटल, और अमाउंट हो जाएगा आपका 80,000, और यहीं पे हम लिख देंगे बाय कैश। तो यहाँ पे हमने एक एंट्री कवर की, और आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, और यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे नरेशन को भी कवर कर दिया, तो यहाँ पर हम इसे करा देंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हमारी पहली एंट्री जो है सक्सेसफुली एंटर हो चुकी है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एंट्री पे, 2 जनवरी का, कैश परचेस गुड्स 40,000 रुपीज। तो इसकी एंट्री जो बनी है आपकी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, एक चीज और ध्यान रख, आपके सामने ऐसी कुछ दिक्कतें आ जाती कि हमें कब यहाँ पर पेमेंट को यूज करना है और कब हमें यहाँ पर परचेस की एंट्री को फॉलो करना है, यानी कि हमें कब यहाँ पर F5 प्रेस करना है या कब हमें यहाँ पर F9 प्रेस करना है। यही हमें डाउट रहता है सेल्स के लिए भी कि कब हमें सेल्स वाले पोर्शन में F6 प्रेस करना होगा, यानी कि रिसिप्ट के लिए सेल्स वाउचर्स के लिए हमें F8 को प्रेस करना होगा। एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वहां पे जहां भी आपको कैश देखने को मिल जा रहा है, अगर वो डेबिट साइड है तो आप रिसिप्ट को यूज करो, अगर क्रेडिट साइड है तो आप यहाँ पे पेमेंट को यूज करो, यानी कि आपको यहाँ पे परचेज सेल्स और बाकी चीजों को देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहला आपको फोकस रखना है कि आपको सबसे पहले कैश को ढूंढना है या फिर आपको बैंक को ढूंढना है, कैश या फिर बैंक, आपको दोनों में से जो भी जहां दिख जाएगा डेबिट और क्रेडिट, तो आपको पेमेंट और रिसिप्ट को फॉलो करना है। अगर आपको यहाँ पे कैश और बैंक नहीं देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको किसी पर्सन का नाम दिख रहा है, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू किसी पर्सन का नाम या फिर किसी पर्सन के नाम के साथ आपका सेल्स को मेंशन किया रहता है, तब यहाँ पर हमें परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर हमारे सामने है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी हमें यहाँ पे कैश को फॉलो करना होगा। तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे F5, और यहाँ पे हम आ जाएंगे पेमेंट वाउचर। तो यहाँ पर हमने बाई परचेज यहाँ पे लिख दिया, और जो हमारा अमाउंट है 40,000, तो हमने यहाँ पे 40,000 भी लिख दिया, और परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमने यहाँ पे कैश को मेंशन कर दिया और इसे करा दिया कंट्रोल A से हमने एक्सेप्ट। और आप चाहो तो यहाँ पे नरेशन लिखते हुए साथ साथ चल सकते हो। फिर यहाँ पे हमारा अगला है 3 जनवरी का, परचेस कंप्यूटर, जिसकी एंट्री है आपकी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि यहाँ पे फिर आपका कैश आ गया और वो भी क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे हम फिर से F5 प्रेस करेंगे और पेमेंट वाउचर पे आ जाएंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कंप्यूटर, और यहाँ पे आपका अमाउंट जो है कंप्यूटर का 20,000, तो यहाँ पे हम 20,000 लिख देते हैं, और ये हो जाएगा यहाँ पे टू कैश,
यानी कि हमने यहाँ पे इस एंट्री को भी कवर कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान दे सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पे एंट्रीज हैं, तो यहाँ पर मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी हम जो यहाँ पे टेलीप्राइम यूज कर रहे हैं ये हमारा एजुकेशनल वर्जन है, तो यहाँ पर हम डेट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। पर अगर यही आपका लाइसेंस वर्जन होता तो यहाँ पे आप डेट को जरूर यहाँ पे चेंज कर सकते थे, पर इससे हमारे एंट्रीज पे कोई फर्क नहीं आएगा। हम यहाँ पर एक ही सिंपल डेट पर सारी एंट्रीज को करेंगे। जैसा कि अब हमारे स्क्रीन पर जो अगली एंट्री है वो है 4th जनवरी की, सोल्ड गुड्स टू नंदलाल 18,000 रुपए। यानी कि अपने 18,000 रुपीज में हमने कोई नंदलाल को जो हमने आइटम सेल किया था, तो उसकी एंट्री जो हमारे सामने है नंदलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इसके लिए हमें F8 वाउचर्स पे जाना होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर अब आपका कोई भी कैश और बैंक के ट्रांजेक्शंस यहाँ पर नहीं है, यानी कि यहाँ पे ना तो पेमेंट हो रहा है और ना ही हमारा कोई भी रिसिप्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नंदलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स है, यानी कि यहाँ पे हमारा सन्ड्री डेटर आ रहा है, तो यहाँ पे हम सेल्स को फॉलो करेंगे। यानी कि हम F8 यहाँ पे प्रेस करेंगे और यहाँ पर जब आप स्क्रीन पे देखेंगे कि यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम आपका एक्टिवेट नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि कंट्रोल H प्रेस करेंगे जैसे हमने बाकी वाउचर्स के लिए किया था। यहाँ पर आपको एज वाउचर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर एज वाउचर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड भी एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि बाई और टू के नाम से। तो यहाँ पर जो हमारा है नंदलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि बाई नंदलाल, और आपका अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 18,000 और यहाँ पर आपका हो जाएगा टू सेल्स 18,000 और इसे हम करा देंगे एक्सेप्ट। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th जनवरी का है आपका, परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन अमाउंटिंग रुपीज 15,000, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम वाउचर जो यूज कर रहे हैं वो है F9 वाउचर, यानी कि परचेज वाउचर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये भी जान लेते हैं, यहाँ पर हमें कोई भी कैश और बैंक रिलेवेंट ट्रांजेक्शन नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी हमारे सामने पेमेंट और रिसिप्ट की कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका कैश और बैंक मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है सन्ड्री क्रेडिटर मेंशन है ब्रिज मोहन, तो यहाँ पर हम परचेज के वाउचर को फॉलो करेंगे। तो परचेज वाउचर जो है आपका F9, तो यहाँ पर हमने प्रेस किया F9 और यही स्क्रीन हमारे सामने फिर से आ गई है जहाँ पे हमें डबल एंट्री सिस्टम को एक्टिवेट करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और एज वाउचर पर क्लिक कर देंगे। तो एज वाउचर पर क्लिक करते ही हम यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन, तो टू ब्रिज मोहन हमने यहाँ पे लिख दिया और अमाउंट हो जाएगा आपका 15,000 और यहाँ पे बाई परचेज और इसे करा देंगे हम एक्सेप्ट। उसी तरीके से अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th जनवरी नंदलाल रिटर्न सेल्स गुड्स रुपीज 3,600, यानी कि आपकी जो एंट्री है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नंदलाल, यानी कि हमारा यहाँ पे एक्टिवेट होगा क्रेडिट नोट जिसका शॉर्टकट की है Alt+F6। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नंदलाल, यानी कि हम यहाँ पे मेंशन करेंगे नंदलाल और अमाउंट हो जाएगा आपका 3,600 और बाई सेल्स रिटर्न और इसे करा देंगे हम एक्सेप्ट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th जनवरी जिसमें हमने रेंट टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी के जो एक्सपेंसेस हैं हमने पे किए हैं, जो कि आपके रिस्पेक्टिव अमाउंट हैं 800, 700 और अमाउंट रुपीज 380। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री होगी, या तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल एंट्री कर सकते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, टेलीफोन टू कैश, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, पर यहाँ पर हम इन्हें एक साथ मर्ज कर देंगे। आप यहाँ पे मर्ज करके भी एंट्री कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा F5, यानी कि हमारा जो ये है पेमेंट वाउचर पे होगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे है कैश क्रेडिट साइड पर मेंशन है। तो ये सबसे पहला होगा हमारा रेंट, अमाउंट हो जाएगा आपका 800, फिर आता है आपका बाई इलेक्ट्रिसिटी और आपका इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट हो जाएगा 380 और यहाँ पे फिर से हम कर देंगे बाई टेलीफोन और इसका अमाउंट हो जाएगा आपका 700 और टू कैश हम यहाँ पे फाइनल पेमेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे टोटल 1880 जो है कैलकुलेट होकर के आ गया है और इसे हम यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे। आफ्टर देन हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिटर्न परचेज गुड्स टू ब्रिज मोहन, यानी कि जो एंट्री बन रही है यह हमारी बन रही है ब्रिज मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, जो कि आपके यहाँ पे परचेज रिटर्न यानी कि डेबिट नोट के वाउचर्स पे वर्क होगा जिसका शॉर्टकट की है Alt+F5। तो हम सबसे पहले Alt+F5 प्रेस करेंगे, डेबिट नोट हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर है ब्रिज मोहन टू परचेज रिटर्न, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय ब्रिज मोहन और इसमें आपका जो अमाउंट है 5,000 हम यहाँ पर लिख देंगे और टू परचेज रिटर्न और यहाँ पे 5,000 अमाउंट लिख के हम इसे करा देंगे एक्सेप्ट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th जनवरी का है सेल्स गुड्स टू वासुदेव अमाउंट रुपीज
20,000 वासुदेव अकाउंट डेबिट टू सेल्स इसकी एंट्री है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कैश और बैंक मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हम सेल्स वाउचर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रेस करेंगे F8, फिर यहाँ पे हम कंट्रोल H प्रेस कर देंगे क्योंकि हमें डबल एंट्री मोड पर हमें इसे वर्क करना है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया एज वाउचर, फिर यहाँ पे आ जाते हैं वासुदेव अकाउंट डेबिट टू सेल्स यानी कि बाई वासुदेव, और आपका अमाउंट जो है यहाँ पर हो जाएगा 20,000 और इसे करा देंगे हम एक्सेप्ट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 10th जनवरी का महेश सेल्स गुड्स टू अस, यानी कि हमने सामान यहाँ पे परचेस किया है महेश से। यहाँ पे आपका कैश और बैंक भी मेंशन नहीं है, तो फिर से हम किसको फॉलो करेंगे, ऑफकोर्स परचेस को ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हमारा परचेस का वाउचर लग जाएगा आपका F9 और एंट्री हो जाएगी परचेस टू महेश अमाउंट 10,000। तो सबसे पहले यहाँ पे F9 प्रेस किया, फिर डबल एंट्री मोड पे आने के लिए हम कंट्रोल H प्रेस करके यहाँ पे एज वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन परचेस अकाउंट डेबिट टू महेश यानी कि टू महेश यहाँ पे मेंशन हो जाएगा और आपका जो अमाउंट है 10,000 यहाँ पर हम लिख देंगे और बाय परचेज और इसे करा देंगे एक्सेप्ट। अब आगे देखते हैं 11th जनवरी का है रिटर्न सेल्स गुड्स बाय वासुदेव ₹2,000। तो यहाँ पर हम क्रेडिट नोट को यूज करेंगे, अल्ट प्लस F6 इसका शॉर्टकट की है, और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वासुदेव की एंट्री यहाँ पे चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अल्ट F6 प्रेस किया, ऊपर देख सकते हैं क्रेडिट नोट यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है और यहाँ पे टू वासुदेव है, तो यहाँ पे हम वासुदेव को मेंशन कर देंगे और सिंपली जो आपका अमाउंट है 2,000 यहाँ पे हम लिख देंगे और बाय सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न करते ही हमारी यहाँ पे फुल्ली हमारी एंट्री पास हो चुकी है और इसे करा देंगे हम एक्सेप्ट। तो यानी कि हमने क्रेडिट नोट के एक और एंट्री सक्सेसफुली यहाँ पर हमने कवर कर दिया। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12th जनवरी पेड कैश टू ब्रिज मोहन अमाउंट ₹10,000। तो यहाँ पर आपका जो 10,000 रुपीज अमाउंट है हमने यहाँ पे 12th जनवरी के डेट में हमें मेंशन करना है, जिसकी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू नंदलाल, यहाँ पे आपका कैश मेंशन है। तो यहाँ पर हम कौन सा वाउचर यूज करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। तो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट की है F6, तो यहाँ F6 हमने प्रेस किया। अब यहाँ पे हमारी जो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू नंदलाल यानी कि टू नंदलाल यहाँ पर मेंशन होगा और नंदलाल में आपका अमाउंट है 14,400। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 14,400 और बाय कैश, ठीक है, और इसे करा देंगे हम एक्सेप्ट। तो जैसा कि अब हमारे सामने स्क्रीन पर है 13th जनवरी का, जिसमें हमारे सामने क्वेश्चन है रिसीव कैश फ्रॉम नंदलाल 14,400। तो यहाँ पर हमारी जो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू नंदलाल, तो यहाँ पर हम इस वाउचर की एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने टेलीप्राइम पे जाएंगे, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे रिसिप्ट वाउचर यानी कि F6 और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कैश अकाउंट डेबिट टू नंदलाल, तो यहाँ पर टू नंदलाल मेंशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम नंदलाल लिख देंगे और अमाउंट हो जाएगा हमारा 14,400 और यहाँ पे कर देंगे बाय कैश और इस एंट्री को करा देंगे हम एक्सेप्ट। तो सक्सेसफुली हमने उस वाउचर को एक्सेप्ट करा लिया है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14th जनवरी का है रिटर्न परचेस गुड्स टू महेश ₹2,000। यहाँ पर आपका डेबिट नोट लगेगा अल्ट प्लस F5, अल्ट प्लस F5 प्रेस करते अब यहाँ पे बाय सेक्शन में आपका आ जाएगा महेश और यहाँ पे आपका अमाउंट हो जाएगा 2,000 और यहाँ पे अगला है आपका टू परचेज रिटर्न, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे टू परचेज रिटर्न और यहाँ पे करा देंगे हम एक्सेप्ट। अब लास्ट है हमारा 15 जनवरी का पेड फ्रेट एक्सपेंसेस 500। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फ्रेट एक्सपेंसेस टू कैश के लिए पेमेंट वाउचर यानी कि F5। तो यहाँ पर हमने F5 प्रेस किया और यहाँ पे लिख देंगे बाय फ्रेट, अमाउंट हो जाएगा 500 और यहाँ पे टू कैश और इसे करते ही हमने यहाँ पे इसे भी एक्सेप्ट करा दिया। तो यहाँ पर हम एक और चीज चेक कर सकते हैं कि हमने जितने भी वाउचर्स की एंट्री पास की तो उसे हम कहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे, यहाँ पर हमें डे बुक का एक पोर्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम डे बुक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर सारी की सारी वाउचर्स एंट्री यहाँ पे शो होने लगेगी। अल्ट F1 जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप इसके और डिटेल पोर्शन पर आप चले जाओगे। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में कवर किया कि हम किस तरीके से वाउचर्स की सारी एंट्री को कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे एक और नए असाइनमेंट के साथ आएंगे, जिसमें हम वाउचर्स को लेकर के एक और नया एक असाइनमेंट को प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS & IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।